शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़। हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की फर्स्ट न्यूज़ आई है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, इसको बनाया गया था, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था मेमोरी एंड ऑनर ऑफ लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, लता मंगेशकर की याद में, हु हैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ऑन फरवरी 6 दिस ईयर। इसी साल फरवरी 6 फरवरी को इनकी डेथ हुई थी। द अवार्ड विल बी गिवन एवरी ईयर टू ओनली वन इंडिविजुअल, हर साल केवल एक व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा, हु हैज़ मेड पैथ ब्रेकिंग स्पेक्टुलर एंड एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, जिसने देश की प्रगति के लिए योगदान दिया है। ठीक है, यहाँ पर स्पेक्टुलर मतलब ब्यूटीफुल, शानदार, एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी मतलब सर्विंग एज अनुकरणीय, शानदार और अनुकरणीय कंट्रीब्यूशन जो व्यक्ति देश के लिए करेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इट्स पीपल एंड सोसाइटी एज पर द स्टेटमेंट बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि इस पुरस्कार को प्रोवाइड करता है। तो पहला जो पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी को प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम सीधे देखेंगे द हिंदू से, क्योंकि पीआईबी की एक ही खबर इम्पोर्टेंट थी, उसको हम डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं। पहली न्यूज़ हम देखेंगे ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से रिलेटेड। इसको कंडक्ट किया जाएगा जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच में, यहाँ पर डेट इसकी बता दी गई है। इसके बारे में बताया जाता है, नॉर्मली इसको कैरी आउट किया जाता था हर 5 साल में। द सर्वे हेल्प्स एसेस पॉवर्टी लेवल, ये अनुमान, इससे अनुमान हमको लग जाता है कि गरीबी का क्या लेवल अभी चल रहा है। इसके अलावा कंजप्शन का पैटर्न पता चल जाता है, लोग कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं, किसको कंज्यूम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड रिबेस जीडीपी कैलकुलेशन, और जीडीपी कैलकुलेशन को ये रिबेस करता है। व्हाट इज द बिग डील, द लास्ट सर्वे हुज फाइंडिंग्स वर मेड पब्लिक वाज कंडक्टेड इन 2011-12, इसके पहले 2011-12 में इसको प्रकाशित किया गया था। Why this long pass? इतना लंबा समय आखिर लग क्यों गया? बताया जा रहा है इस सर्वे वाज कंडक्टेड इन 2017-18 में भी इसको कंडक्ट कराया गया, बट इट्स रिजल्ट वर नॉट रिलीज्ड ओविंग टू द क्वालिटी कंसर्न, लेकिन सरकार ने इसको प्रकाशित नहीं करी थी। इनका कहना है कि डाटा में क्वालिटी कंसर्न है। इट रिपोर्टेडली रिफ्लेक्टेड द फर्स्ट ड्रॉप इन मंथली पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग सिंस 1972-73 विद ए राइज इन पॉवर्टी इंसिडेंस। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है फर्स्ट ड्रॉप इन मंथली पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग, मतलब कि हर महीने में लोगों का जो खर्चा है वो ड्रॉप हुआ है 1972-73 With a rise in poverty incidence, इसके अलावा गरीबी के जो incident हैं उनमें increase देखने को मिल रही है, इसीलिए लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। All India Household Consumer Expenditure Survey normally conduct किया जाता है National Statistical Office के द्वारा NSA को माध्यम से हर 5 साल में। इज ए सेट टू रिज्यूम दिस ईयर आफ्टर ए प्रोलॉन्ग ब्रेक, इसी साल इसको फिर से आयोजित किया जाएगा। इंडिया हैज नॉट हैड एनी ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑन पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग, इंडिया के पास ऐसा कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, कोई भी ऑफिशियल ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे कि वो पता लगा सके लोग आखिर एक व्यक्ति कितना स्पेंड कर रहा है। यूज टू अराइव एट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी लेवल, ठीक है, जिसका यूज हम कर सके, अंदाजा लगा सके पॉवर्टी का क्या लेवल चल रहा है डिफरेंट पार्ट में, एंड टू रिव्यू इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज जीडीपी, और जिससे कि हम जीडीपी को रिव्यू कर सकें। 2011-12 से के बाद से ही ये जो सर्वे है उसको कंडक्ट नहीं किया गया।
द गवर्नमेंट हैड जंक्ड द फाइंडिंग्स ऑफ द लास्ट सर्वे कंडक्टेड इन 2017-18। ठीक है, गवर्नमेंट ने 2017-18 का जो डाटा था उसको रिलीज नहीं किया था, डाटा क्वालिटी इशू था ऐसा बता करके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पल्ली गांव से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर में हाल ही में मोदी का दौरा हुआ। बताया जा रहा है कि जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाला देश का पहला पंचायत बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। गांव में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उल्लेख किया और बताया था कि पल्ली भारत को कार्बन तटस्थ बनाने के ग्लासगो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और बताया जा रहा है इसके जितने भी रिकॉर्ड है ना उनको डिजिटलाइज किया जाएगा एंड द बेनिफिट्स ऑफ ऑल सेंट्रल स्कीम्स आर अवेलेबल इन दिस विलेज। और केंद्र सरकार की जितने भी बेनिफिट हैं वो सब इस विलेज को मिलने वाले हैं। जम्मू से ये 17 किलोमीटर पड़ता है। इनॉग्रेटिंग ए 500 किलोवाट सोलर प्लांट इन पल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, वाइल इट वुड टेक 3 वीक टू मूव ए सरकारी फाइल फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू। सरकारी फाइल को मूव होने में 3 वीक का टाइम लग जाएगा। दिस प्रोजेक्ट बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स वाज कंप्लीटेड इन ए रिकॉर्ड टाइम ऑफ 3 वीक्स, मतलब 3 हफ्ते में ही ये काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद उन्होंने रेफर किया ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का विच ही अटेंडेड लास्ट ईयर। मिस्टर मोदी का कहना है ही वाज विटनेस टू स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स बीइंग मेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन जनरेशन। इन्होंने वादा किया था कि हम हमारे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने वाले हैं। 2070 तक हमने घोषणा करे थे। इसके अलावा सोलर पावर से हमारे देश की आधी जरूरत को पूरा करने का टारगेट हमने रखे थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो अपने ही मेंबर कंट्री की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक और टेक्निकल सहायता प्रदान करती है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में भी सहायता करता है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने का उपाय करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और पुनरुत्थान के लिए वित्तीय आधार उपलब्ध कराना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको और भी सरल बनाना। इसका हम संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत हुई थी जो कि 27 दिसंबर 1948 से काम करना चालू किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1 मार्च 1947 को औपचारिक रूप से काम चालू कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ किए गए एक समझौता, मतलब 15 नवंबर 1947 की महासभा को मंजूरी मिली थी के बाद संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया था। इसकी संरचना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का एक संगठनात्मक ढांचा एक समान है। दोनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कहना चाहिए संरचना है वो एक सी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसमें रहेगा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर एक अंतरिम समिति और एक प्रबंध निदेशक कर्मचारी वर्ग द्वारा अपना काम करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूरी पावर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पर रहती है। इस बोर्ड में प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक प्रतिनिधि रहेगा। इसकी बैठक 1 साल में 1 बार होती है, वर्ष में 1 बार। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा अपनी अधिकांश शक्तियाँ 24 सदस्यीय कार्यकारिणी निदेशक बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
इस कार्यकारी निदेशक बोर्ड की नियुक्तियां निर्वाचन सदस्य देशों या फिर देशों के समूह करते हैं। प्रत्येक निदेशक को अपनी सरकार के निर्धारित कोटे के अनुपात में वोट की शक्ति मिलती है, जबकि प्रत्येक निर्वाचित निदेशक अपने देश समूह से संबद्ध सभी वोट डाल सकता है। फिर आता है प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक मतलब कार्यकारी निदेशकों द्वारा अपने प्रबंध निदेशक का चयन किया जाता है, अपने बीच से ही उसको सिलेक्ट करते हैं। ये कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बन जाएगा। फिर प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डेली के कामों को संपन्न करता है। एक संधि समझौता हुआ जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक यूरोपीय रहेगा, जबकि विश्व बैंक का अध्यक्ष रहेगा अमेरिकी नागरिक। फिर इसके काम बताए गए हैं। तो पहला काम है, जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय इसके तीन प्राथमिक काम बताए गए थे। पहला, जो विनिमय दर है, विनिमय दर की व्यवस्था, उसकी निगरानी करते रहना। मतलब रुपया की क्या कीमत रहेगी डॉलर की अपेक्षा, विनिमय दर इससे पता चलती, तो उसकी निगरानी करते रहना। ऐसा ना हो कि कोई देश अपनी मुद्रा की वैल्यू एकदम घटा करके रख दे ताकि चीज़ें उसकी सस्ती बिके, लोग ज़्यादा खरीदें, जैसा चाइना के ऊपर आरोप लगाया जाता। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारों ने अपने विनिमय दरों का प्रबंध करने और इन सरकारों को आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकटों को फैलाने से रोकने के लिए सहायता करना भी इसका उद्देश्य है। महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के टुकड़ों को सुधारने में IMF का भी इरादा था। इसके अलावा आर्थिक विकास करना है, कोई बुनियादी ढांचा तैयार करना है, कोई परियोजना है, इसके लिए पैसा चाहिए, तो IMF आपको लोन देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिससे वे विकासशील देशों के साथ काम कर नीतिगत सलाह, सदस्यों को वित्त पोषण करना, इससे उनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और गरीबी कम होती है। डेब्ट क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, तो IMF ने प्रॉमिस किया है कि वो सपोर्ट करेगा श्रीलंका का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ प्रॉमिस्ड सपोर्ट टू डेब्ट रिडन श्रीलंका इन इट्स इफोर्ट टू मिटिगेट द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी वर्तमान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए IMF तैयार हो गया है। एंड टर्म द इनिशियल डिस्कशन विद द डेलीगेशन लेड बाय कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर अली सबरी। उनका कहना है सरकार का श्रीलंका की कि जो बातचीत थी वो सक्सेसफुल रही है। श्रीलंका की कंडीशन बताया जा रहा है कि श्रीलंका अभी जूझ रहा है अनप्रेसिडेंट इकोनॉमिक टर्मोइल से, इकोनॉमिक आर्थिक तंगी से अभी गुजर रहा है। ये जो क्राइसिस है कॉज्ड इन पार्ट बाय लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि इसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया, डॉलर नहीं बचा इसके पास, विच हैज़ मीन्ट दैट द कंट्री कैन नॉट एफोर्ड टू पे फॉर इम्पोर्ट ऑफ स्टेपल फूड। इसका मतलब ये है कि अब वो बाहर से फूड को आयात नहीं कर सकता, मंगवा नहीं सकता, फ्यूल नहीं बुलवा सकता, लीडिंग टू एक्यूट शॉर्टेज एंड वेरी हाई प्राइसेस। इससे क्या है, चीज़ें कम हो गई हैं और उसके दाम हाई हो गए हैं। मिस्टर सबरी एंड हिज डेलीगेशन विच इंक्लूडेड द सेंट्रल बैंक गवर्नर नंदलाल वीरा सिंघे आर करेंटली इन द वाशिंगटन वेयर दे हेल्ड डिस्कशन फॉर एन IMF सपोर्टेड प्रोग्राम। IMF को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि IMF सपोर्ट नहीं करता है तो फिर चाइना श्रीलंका का सपोर्ट कर देगा और इससे फिर अमेरिका को फिर एक झटका लग जाएगा। श्रीलंका को कम से भी कम 4 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है, इसी से वो इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है उससे वो उभर सकता है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका की सरकार वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा चाइना और जापान से भी बातचीत कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए करके। ऑन सैटरडे इंडिया एग्री टू एक्सटेंड एन एडिशनल 500 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन टू हेल्प श्रीलंका इम्पोर्ट फ्यूल। इंडिया भी काफ़ी मदद कर रहा है, जैसे कि अभी इंडिया हाल ही में सैटरडे के दिन तैयार हो गया कि हम 500 मिलियन डॉलर देने वाले हैं श्रीलंका को, ताकि ये जो फ्यूल है ना उसको इम्पोर्ट कर सके, क्रेडिट
क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में एक पिक्चर बताया गया है, जैसे कि ये बैंक है, बैंक मान लीजिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए, ठीक है, श्रीलंका को पैसा उधार देगी। अब पैसा उधार दे रही है तो उससे इंटरेस्ट भी वो लेगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाइन ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट आपको केवल उसी अमाउंट पे लगना है जितना अमाउंट आपने उधार लिया था। 100 रुपये उधार लिया था तो 100 रुपये पर ही आपको इंटरेस्ट देना है, वैसा यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ओल्गा टेलिस जजमेंट के बारे में। यहाँ पर बताया जाता है द ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जजमेंट 1985 में आया था, जिसमें ये बताया जाता है यदि जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या फिर वहाँ पर जो दुकानें वगैरह खोल के रखते हैं, अपनी कमाई करते हैं, उनको यदि हम अनरीजनेबल फोर्स के माध्यम से, इसके अलावा उनको आपने चांस भी नहीं दिया है कि वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, तो ये संविधान के ख़िलाफ़ है। ऐसा जजमेंट आया था 1985 में। इट इज़ ए वायलेशन ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड, मतलब कि ये उनकी जीविका का जो राइट है, कमाने का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन है, ऐसा कोर्ट ने आदेश सुनाया था। द केस स्टार्टेड इन 1981, केस चालू हुआ था 1981 में, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया था कि जो पेवमेंट एंड स्लम डेवलपर्स हैं बम्बई सिटी में शुड बी इवेक्टेड, उन सबको वहाँ से हटाना है, उस जगह खाली करवाना है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक बात कही गई थी, मतलब कि कोर्ट में केस जाने के पहले, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था तब, फुटपाथ में या फिर सार्वजनिक सड़कों पर आप झोपड़ी लगा करके रह नहीं सकते, वहाँ पर दुकानदारी नहीं रख सकते, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में किन सवालों पर चर्चा हुई थी? मुख्य प्रश्नों में से एक ये भी था कि क्या फुटपाथ पर रहने वाले को बेदखल करना उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका से वंचित करना है। आर्टिकल में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप वंचित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या बॉम्बे नगर निगम अधिनियम 1888 में प्रावधान बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति मनमाने और अनुचित है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल की जांच करने का भी फैसला किया था कि क्या फुटपाथ पर रहने वालों को अतिचारियों के रूप में चिन्हित करना संविधान के रूप से अनुचित रहेगा। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के है। बताया जा रहा है कि आखिर व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड द बाउंड्री इशू बिटवीन द टू स्टेट्स, इसका इतिहास आखिर है क्या जो दोनों में बाउंड्री इशू चल रहा है अभी। हाउ डू दे प्लान टू रेस सेटल इट, और कैसे करके दोनों राज्य इसको सेटल करेंगे। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड हिज असम काउंटर पार्ट हेमंता बिश्व शर्मा हैव डिसाइडेड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी बनाना चाहते हैं ताकि वो सेटल कर सके इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट को। द इशू स्टार्टेड विथ है 1951 रिपोर्ट विच ट्रांसफर्ड 3648 किलोमीटर ऑफ द प्लान एरिया ऑफ बालीपारा एंड सादिया फुट हिल्स टू दरांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये विवाद की जड़ यहाँ पर बताया जा रहा है 1951 में क्या रिपोर्ट हुआ, एक रिपोर्ट है जिसने ट्रांसफ़र किया था 3648 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो कि प्लान एरिया था, मतलब मैदानी एरिया, कौन सा, बालीपारा और सादिया फुट हिल्स के, किसको, दरांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम को। अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है द ट्रांसफ़र वाज डन विथआउट कंसल्टिंग इट्स ट्राइब्स, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश कर रहा है हमारी जो ज़मीन असम को दी गई है वो ट्राइब्स लोगों से बिना पूछे ही दे दी गई है, हु हैड कस्टमरी राइट्स ओवर दीज लैंड, और जबकि इन पर, इस ज़मीन पर पूरा पूरा अधिकार ट्राइब्स लोगों का था, आदिवासी लोगों का था। द टू स्टेट हैव डिसाइडेड टू फॉर्म 12 कमेटी, बताया जा रहा है ये 12 कमेटी
बनाने वाले हैं। इसमें इन्वॉल्व रहेगा डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बाउंड्री इन ऑर्डर टू कम अप विथ ए सॉल्यूशन। बाउंड्री जो शेयर कर रहे हैं वो जिला इसमें शामिल रहेंगे ताकि इससे सॉल्यूशन निकल सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बाउंड्री का झगड़ा है क्यों? असम हैज़ हैड बाउंड्री डिस्प्यूट्स विथ ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ इट। बताया जा रहा है कि असम हमेशा से बाउंड्री डिस्प्यूट में रहा है, जबकि नागालैंड बीकम ए स्टेट इन 1963, मेघालय फर्स्ट बीकेम एन ऑटोनोमस स्टेट इन 1970, इसके अलावा ए फुल फ्लेज स्टेट इन 1972। मेघालय बाद में 1972 में फुल फ्लेज स्टेट बना था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वास सेपरेटेड फ्रॉम असम एज यूनियन टेरिटरीज इन 1972। 1972 में बताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इनको सेपरेट किया गया था असम से, ठीक है, एस यूनियन टेरिटरी के रूप में 1972 में एंड एस स्टेट इन 1987, और बाद में फिर इनको स्टेट का दर्जा दिया गया था